एंड वेलकम टू माय चैनल वी स्टाइल। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं दिस मेकअप लुक। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं यूज करने वाली हूँ ये एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर। और उसके बाद ये बीबी क्रीम। इस बीबी क्रीम को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, अब वो भी अपनी फिंगर की हेल्प से। मुझे लगता है फिंगर से काफ़ी अच्छा ब्लेंड हो जाता है, तो मुझे फिंगर से ब्लेंड करना अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैं फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ। और उसके बाद इस फ्लैट स्पंज से मैं इसे अच्छे से सेट कर लूँगी। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ये फिटमी का फाउंडेशन। सेम यहाँ पर भी मैं इसको अच्छे से अपने फिंगर से स्प्रेड करूँगी एंड अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी। और उसके बाद सेम फ्लैट स्पॉन्ज से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि ये मेरी स्किन पे सेट हो जाए। यहाँ पर मैं कंसीलर यूज़ नहीं करूँगी, सीधा अपनी आईब्रो को फिल करूँगी। यूज़ करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर अपने फेस को और फाउंडेशन को सेट करने के लिए। ये मैं भूल गई थी करना। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रॉन्जर। और अब ये फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं ब्राउन आई शेडो अप्लाई करूँगी अपनी आईलिड पे। अब मैं यूज़ करने वाली ये ब्लश, मेकअप गैलरी का ये ब्लश है। यहाँ यूज़ करने वाली हूँ ये काजल, और इस काजल से मैं बहुत ही थिन लाइन ड्रॉ करूँगी। और उसके बाद स्मज ब्रश की हेल्प से मैं इसको स्मज कर दूंगी बहुत ही लाइटली। और यहाँ मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मेबलिन का मस्कारा। और अब मैं यूज़ करूँगी ये आई शेडो स्टिक एज अ हाइलाइटर। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये हाइलाइटर पैलेट एज अ शिमरी आई शेडो। यहाँ पे मैं इसको इस हाइलाइटर को अपनी फिंगर की हेल्प से लगाने वाली हूँ।
और अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये कंटोर और हाइलाइटर पैलेट। इसमें जो एलुमिनेटर शेड है ये यूज़ करूँगी मैं, जहाँ पे मैंने ये क्रीमी आई शेडो पेंसिल यूज़ की थी उसके ऊपर, ताकि वो क्रीमी शेड लॉक हो जाए। और लिटिल बिट अपनी आईलिड पे थोड़ा सा शाइनी लुक देने के लिए, मोर शाइनी लुक देने के लिए। और उसके बाद मैंने यूज़ की है दिस लिपस्टिक एंड दिस इज नाउ माय फाइनल लुक। So thank you for watching, like this video and share with your friends and please don't forget to subscribe to my channel. Milte hain next video mein, till then bye bye and take care.